एक लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। आप कुछ देर तक आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहेंगे। मेरी आवाज के जरिए आप अपने अवचेतन मन की गहराई में जाएंगे और अपने जीवन को उस लक्ष्य के लिए प्रोग्राम करेंगे जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं। वापस एक लंबी गहरी सांस धीरे धीरे भीतर की तरफ लें और भाव करें कि सांस के जरिए आपका मन शांत हो रहा है। सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ें और आपका पूरा का पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक हल्का और रिलैक्स हो रहा है। आपका पूरा का पूरा शरीर हल्का और रिलैक्स हो रहा है। आप मेरी आवाज ध्यान से सुन रहे हैं। मेरी आवाज के अलावा दूसरी कोई भी आवाज आपके लिए मायने नहीं रखती। यदि आपको आसपास का शोर या किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई दे, वो भी आपको मन की गहराई में ले जाने में सहयोग करेगी। आपका शरीर हल्का और हल्का होता चला जा रहा है। वापिस एक लंबी गहरी सांस धीरे धीरे भीतर की तरफ ले। सांस के जरिए दिव्य चेतना दिव्य ऊर्जा आपके भीतर जा रही है, जो आपके भीतर के जगत को हील कर रही है। आपके भीतर पड़ी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी को हील करके पॉजिटिव कर रही है। सांस धीरे धीरे बाहर छोड़े। सर से लेकर पांव तक आपका पूरा शरीर हल्का और रिलैक्स हो रहा है। हल्का और रिलैक्स हो रहा है। जब भी मैं हल्का और रिलैक्स शब्द का उपयोग करूंगा, आप हल्का और रिलैक्स महसूस करोगे। हल्का और रिलैक्स आपका पूरा का पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक हल्का और रिलैक्स होता चला जा रहा है। आपका शरीर हल्का और रिलैक्स होता चला जा रहा है। जैसे एक गुब्बारा होता है हल्का ऑक्सीजन से भरा हुआ, जैसे ही हम उसकी डोर छोड़ते हैं वो आकाश में उड़ना शुरू करता है, वैसे ही आपका पूरा का पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक हल्का और रिलैक्स हो चुका है। हल्का और रिलैक्स हो चुका है। इस रिलैक्सेशन की वाइब्रेशन को महसूस करें। मन की आंखें आपकी खुली हुई है, आपकी लौकिक आंखें बंद है मगर मन की आंखें खुली है। आप ये सारा का सारा जो मैं कमांड यहाँ से आपको दे रहा हूँ, वो आपके अवचेतन मन उसे स्वीकार कर रहा है और आपके शरीर में यही क्रियाएं हो रही हैं जो शब्द का उपयोग मैं कर रहा हूँ। आपका पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक हल्का और रिलैक्स हो चुका है। हल्का और रिलैक्स हो चुका है। आप तब तक अपनी लौकिक आंखें बंद रखोगे जब तक मैं आपको आंखें खोलने की कमांड ना दूं। आपका शरीर सर से लेकर पांव तक हल्का और रिलैक्स हो चुका है। महसूस करें अपने शरीर की वाइब्रेशन को। हल्का और रिलैक्स सर से लेकर पांव तक हल्का और रिलैक्स हो चुका है। इस रिलैक्सेशन की वाइब्रेशन को पूरे शरीर में अनुभव करें। आपके पूरे शरीर में रिलैक्सेशन के स्पंदन फैलते जा रहे हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव और बेचैनी नहीं है। आपका शरीर रिलैक्स और शिथिल हो चुका है। आप मेरी आवाज ध्यान से सुन रहे हैं। मेरी आवाज के अलावा दूसरी कोई भी आवाज आपके लिए मायने नहीं रखती। आपका पूरा शरीर रिलैक्स और शिथिल हो चुका है। जैसे गुब्बारा होता है हल्का, वैसे ही आपका शरीर भी हल्का हो चुका है। कल्पना करें ये आपका रिलैक्स और शिथिल शरीर आकाश में उड़ रहा है और ऊपर आकाश में उड़ रहा है। सीलिंग से ऊपर आकाश में काफी ऊपर चला जा चुका है। आप वहां से नीचे देख रहे हो, सारा का सारा संसार आपको चींटी भांति दिख रहा है। आपका शरीर काफी ऊपर आ चुका है। यहाँ पर आप कल्पना से अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाएं। आपकी कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है। आपकी मेमोरी शार्प हो रही है।
आप जो भी पढ़ने बैठते हैं उसमें आपका मन लगता है, घंटों तक आपको याद रहता है, उससे आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, आपकी मेमोरी शार्प हो रही है, आपकी हेल्थ डे बाय डे अच्छी और अच्छी होती चली जा रही है, आपको आकाश में एक लिफ्ट दिखाई दे रही है। लिफ्ट सिलेंडर के आकार की है और बड़ी सी कांच की लिफ्ट है। लिफ्ट का आप एक बटन दबाते हैं, जैसे ही बटन दबाते हैं, ये लिफ्ट का 10th फ्लोर है, लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका है। अब आप अपने को लिफ्ट के अंदर प्रवेश करता हुआ देखें, महसूस करें। जैसे ही आप लिफ्ट के अंदर प्रवेश करते हैं, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। लिफ्ट कांच की है, इससे आप सारा का सारा आकाश देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, सब कुछ छोटा छोटा आपको दिख रहा है। आपके सर के ऊपर एक पंखा लगा है, पंखे की हवा को आप महसूस कर रहे हैं, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपका शरीर पहले ही हल्का हो चुका है, मन भी शांत हो रहा है, मन भी शांत हो रहा है। एक शांत मन ही सफलता को प्राप्त कर सकता है। आप इस मन की शांति को अनुभव कर रहे हैं। आप मेरी आवाज ध्यान से सुन रहे हैं, मेरी आवाज के अलावा दूसरी कोई भी आवाज आपके लिए मायने नहीं रखती। लिफ्ट धीरे धीरे 10th फ्लोर से 9th फ्लोर की तरफ जा रही है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी, 10th से 9, 8 ऐसे उल्टी जाएगी, आप मन की गहरी और गहरी अवस्था में चले जाओगे। जब भी मैं गहरी और डीप शब्द का उपयोग करूंगा, आप मन की पहले से और कई गुना गहरी अवस्था में चले जाओगे। आप अवचेतन मन में जा रहे हो, जहां पर ब्रेन फ्रीक्वेंसी 7 to 14 वेव्स होती हैं। आप जैसे ही अल्फा लेवल ऑफ माइंड में जाओगे, अवचेतन मन में, फिर वहां पर आप वो प्रोग्राम करोगे, आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हो आने वाले समय में, और उस प्रोग्राम के जरिए हकीकत में आपके जीवन में वो होगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी घटना दो बारी होती है, पहली बारी मन के जगत में और दूसरी बारी बाहर के जगत में। आज आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे हो और आप जानते हो, आपको विश्वास है कि मैं अवचेतन मन में जो भी डालूंगा या डालूंगी वही मेरे जीवन में होगा। लिफ्ट धीरे धीरे 9th फ्लोर से 8th फ्लोर की तरफ जा रही है। आप मन की और गहरी और डीप अवस्था में जा रहे हो। आप मन की और गहरी और डीप अवस्था में जा रहे हो। आपको काफी अच्छा लग रहा है। मन की और गहरी और डीप अवस्था। आपका शरीर पहले ही शिथिल और रिलैक्स हो चुका है, मन भी शांत और रिलैक्स होता चला जा रहा है। 7 मन की और गहरी और डीप अवस्था, लिफ्ट और नीचे की तरफ जा रही है। 6 मन की और गहरी और डीप अवस्था में जा रहे हो। 6 5 मन की और गहरी और डीप। 4 मन की और गहरी और डीप। 3 मन की और गहरी और डीप अवस्था। 2 मन की और गहरी और डीप, 1000 गुना गहरी और डीप अवस्था में जा चुके हो। 1 आप मन की एकदम गहरी और डीप अवस्था में जा चुके हो। आपका जो अवचेतन मन है वो सक्रिय हो चुका है। आप इस वक्त अल्फा स्टेट ऑफ माइंड 7 to 14 ब्रेन फ्रीक्वेंसी में आ चुके हो। आपका मन एकदम शांत हो चुका है। आप इस वक्त अवचेतन मन में एंटर कर चुके हो। लिफ्ट का दरवाजा खुल रहा है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, आपके सामने एक हरा मैदान है जिसमें आप नंगे पांव चल रहे हो। आपने बहुत ही भव्य और सुंदर साफ सुथरे कपड़े पहने हैं। सूर्य का प्रकाश आपके शरीर में पड़ रहा है और आपका शरीर शक्तिशाली, मन शक्तिशाली, आपकी आत्मा शक्तिशाली होती जा रही है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। आपका जो ग्राउंडिंग है वो स्ट्रांग हो चुका है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही आपके शरीर में पड़ता है, आपकी एज 120 साल तक हेल्दी फिट एनर्जेटिक यंग हो जाती है। आप 120 साल तक हेल्दी फिट एनर्जेटिक यंग रहोगे। आप जो भी सोचोगे उसे पाने के लिए आपका अवचेतन मन आपको सपोर्ट करेगा। इस हरे मैदान में आप चलते जाते हो, आपको काफी अच्छा लग रहा है। इस हरे मैदान में चल रहे हो, आपकी मन की शक्ति का विकास हो रहा है। आपकी मन की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। आपकी जो सुनने की शक्ति है वो बढ़ चुकी है। आपकी महसूस करने की शक्ति बढ़ चुकी है और आंखों को बंद करके देखने की, मन की आंखों से देखने की शक्ति बढ़ चुकी है। आपकी ये तीनों इंद्रियां बहुत ही सक्रिय है। इस इंद्रियों को ही अब अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे हो। आप मेरी आवाज ध्यान से सुन रहे हो। मेरी आवाज के अलावा दूसरी कोई भी आवाज आपके लिए मायने नहीं रखती। उसमें हरे मैदान में चलते जाते हो। आपके सामने अब आपको बड़ा सा एक गेट दिखाई दे रहा है।
ये जो गेट है वो सोने का गेट है, आप सोने का कलर आप जानते हो कैसा दिखाई देता है, आपको दिख रहा है। अब उस गेट को आप पकड़ रहे हो, सोने के का जो कलर है उसको फील कर रहे हो, आपके हाथों में वो फीलिंग आ चुकी है, आपका जो फीलिंग का जो लेवल है वो बढ़ चुका है, देखने का लेवल बढ़ चुका है। एक आदमी बाहर खड़ा है, वो आपके लिए दरवाजा खोलता है, आप उस सोने के दरवाजे से अंदर जा रहे हो, आप उस सोने के दरवाजे से अंदर जा रहे हो, आप उस सोने के दरवाजे से अंदर जा रहे हो, अंदर। जैसे ही आप अंदर जाते हो, आप पाते हो कि एक आपका ये पर्सनल थिएटर है जिसमें आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे, अपने सारे सपने अचीव करोगे। ये आपका पर्सनल एक थिएटर है, पर्सनल, ये आपका पर्सनल थिएटर है। आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सोफा पाते हो, आप उसमें लेट जाते हो और आपके सामने जैसे थिएटर में पर्दा होता है वहां पर भी एक पर्दा है, आपके सामने एक पर्दा है, आप लेटे हुए हो उस पर्दे पर, आप देख रहे हो इस वक्त वो पर्दा खाली है, वो पर्दा खाली है। अब आपको उसमें देखना है आप अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या क्या करोगे जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हो और उठने के बाद आप फ्रेश होकर आपने मेडिटेशन किया है, आप ध्यान कर रहे हो। सबसे पहले उठने के बाद आप उस पर्दे में देखें, आप उस पर्दे में देखें, आप सबसे पहली क्रिया क्या कर रहे हो, जल्दी उठ रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, आप उस टाइम को देखें। वहां पर बड़ी सी घड़ी लगी है, आप उठ चुके हो, फ्रेश हो चुके हो, फ्रेश होने के बाद आप पिरामिड कैप लगाकर ध्यान कर रहे हो, ऐसा आप उस पर्दे में देखें, महसूस करें। आप ध्यान उतनी देर कर रहे हो जितनी आपकी आयु है, उसके बाद आप उठते हो और अपनी पढ़ाई में बैठ जाते हो, पढ़ाई में बैठ जाते हो। आप जो भी पढ़ते हो आपके एग्जाम में वही आ रहा है, आपकी मेमोरी शार्प शार्प और शार्प होती जा रही है। आप जितनी देर चाहे उतनी देर पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका एकाग्रता का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उस पर्दे पर आप देख रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। आप जानते हो ये जो सरकारी नौकरी जो आप चाहते हो वो आपको मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति के ऊपर विश्वास है। आप खुद के जीवन में खुद ही योग बनाते हो, जैसे ही आप अवचेतन मन में उस घटना को डाल देते हो आवाज के जरिए, चित्र के जरिए और फीलिंग के जरिए, तो वो बाहर के जगत में वही घटना होती है, क्योंकि अवचेतन मन का विज्ञान भूमि और बीज की तरह है। जैसे भूमि में हम भूमि को खोदने के बाद उसमें खाद मट्टी डालने के बाद उसमें जब बीज डाल देते हैं, बीज अंदर चला जाता है, हमको ये डाउट नहीं करना पड़ता कि इसमें से जो बीज डाला है वो पेड़ आएगा कि नहीं, आता ही है। उसी प्रकार आज आप अपने अवचेतन मन में सरकारी नौकरी को पाने का बीज बो रहे हो, भूमि रूपी जमीन में आपने वो बीज बहुत ही गहराई से, प्यार से, फीलिंग के साथ बोया है। अब आप देख रहे हैं कि आपने जो पढ़ाई की है वो आपके एग्जाम में वही सब आ रहा है, और आप उसके बाद आप देखें कि आपका जो सेंटर है जहां पर आप एग्जाम देने गए हो, आपने एग्जाम दे दी है और आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, आपका रिजल्ट फेवर में आ रहा है, तो उस रिजल्ट को कहां पर चेक कर रहे हैं आप? ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, कैसे चेक कर रहे हैं आप? उसे कहाँ पर चेक कर रहे हैं? ऑनलाइन में चेक कर रहे हैं या आपको व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है या पर्सनल, कैसे करके चेक कर रहे हैं? आपका रिजल्ट आ चुका है और आप पास हो चुके हो, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, आप उसे ऑनलाइन चेक कर रहे हैं और आप अपना नाम वहां पर पा रहे हैं, आप बहुत ही खुश हो, कैसा लग रहा है महसूस करें? एग्जाम का रिजल्ट आपके फेवर में आया है और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है, कैसा लग रहा है महसूस करें? ये फीलिंग आपके अवचेतन मन में चले गई है, आप उसका अपना नाम साफ देख पा रहे हो, और कुछ लोग वहां से आए हैं वो भी देख रहे हैं आपके साथ और वो आपको बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। ये आवाज आपके अवचेतन मन में और तेजी से जा रही है, आपको अपना नाम सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आप देखें कि आपके घर में जहां का आपने एड्रेस दिया वहां पर आपको ऑफर लेटर आ चुका है, आपका इंटरव्यू वगैरह सब हो चुका है, आपने सब कुछ क्लियर कर लिया है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है जो आप चाहते हैं, कैसा लग रहा है महसूस करें?
आप महसूस करें आपको कैसा लग रहा है, महसूस करें आपको कैसा लग रहा है। आपका एक महीना बीत चुका है सरकारी नौकरी करते हुए और आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है, जितनी भी सैलरी है। अब आप सैलरी में से निकाल रहे हो पैसे को, और उस पैसे का क्या कर रहे हो वो भी आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हो उस पैसे का, आप उस पैसे का क्या कर रहे हो वो देख सकते हैं। आप बहुत खुश हो, आपने एक छोटी सी पार्टी की है जिसमें कुछ खास लोगों को बुलाया है खाने पर, और उन खास लोगों को आप थैंक यू बोल रहे हो क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट से, उन्हीं की मोटिवेशन से आपकी लाइफ में ये गवर्नमेंट जॉब आ गई है। आप उस परमात्मा का भी आभार व्यक्त कर रहे हो जिसकी आपके ऊपर कृपा हुई, अपने माता पिता गुरु और देवता जिसको भी आप मानते हो, उसका दिल से धन्यवाद कर रहे हो इस सफलता पर। आप अपने भीतर के 5 तत्व अग्नि जलवायु आकाश पृथ्वी का आभार व्यक्त कर रहे हो क्योंकि ये जब तत्व संतुलित होते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। आप अपने भीतर बैठी उस अदृश्य शक्ति का आभार व्यक्त कर रहे हो। आप इस जगह, जिस जगह पर ये बैठकर माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो उस जगह का आभार व्यक्त कर रहे हो, इस संगीत का आभार व्यक्त कर रहे हो, उस व्यक्ति का आभार व्यक्त कर रहे हो जिसके जरिए आप अपने मन की गहराई में, अवचेतन मन में ये प्रोग्रामिंग आपने सफलतापूर्वक फीड कर दी है। आप बहुत खुश हो, आनंद में हो। अब आप अपने को देखें कि आपका फेवरेट आपने गाना लगाया है और उस गाने में आप नाच रहे हो, झूम रहे हो, आप खुश हो क्योंकि आपके जीवन की ये सबसे बड़ी घटना है जो आप हकीकत करना चाहते थे और आप हकीकत कर चुके हो। वो गाना सुन रहे हो, आप नृत्य कर रहे हो, झूम रहे हो, अपनी मस्ती में हो, आप बहुत खुश हो, आनंदित हो, आपको काफी अच्छा लग रहा है। ये सारा का सारा भाव आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम हो रहा है। अब आप एक ऐसे देवता जिसको आप मानते हो, विश्वास करते हो, उसके मंदिर गए हो, वहां पर कुछ प्रसाद चढ़ा रहे हो, कुछ लक्ष्मी दान कर रहे हो, वहां पर बैठे बाहर लोगों को भी दान कर रहे हो, उनका थैंक यू कर रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो क्योंकि उनकी कृपा आपके ऊपर हुई है और आपको सरकारी नौकरी जो आप चाहते थे वो आपको मिल गई है। कुछ देर उस मंदिर में बैठने के बाद आप वापस आ जाते हो, उसके बाद आप अब इस थिएटर से बाहर निकल रहे हो, अपने अवचेतन मन के अंदर जो थिएटर आपने बनाया है उससे बाहर निकल रहे हो। बाहर जो व्यक्ति है वो आपके लिए दरवाजा खोल रहा है और आप वापस उस हरे मैदान में आ जाते हैं जहाँ से आप इस थिएटर में गए थे। आप चलते जाते हैं, आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपने सफलता प्राप्त कर ली है, आपको सरकारी नौकरी मिल चुकी है, आपके रोम रोम में सफलता की लहर दौड़ रही है, आपका अवचेतन मन और सरकारी नौकरी के लिए प्रोग्राम हो चुका है। आप चलते जाते हैं और आपके सामने वही लिफ्ट आ चुकी है जिसके जरिए आप अवचेतन मन की गहराई में गए थे। आप लिफ्ट का बटन दबाते हैं और फर्स्ट फ्लोर का दरवाजा खुलता है, आप लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है, आप मन की गहराई से बाहर आ रहे हैं। यू आर कमिंग आउट ऑफ द डीप हिप्नोटिक स्लीप, 1, 2, 3, मन की गहराई से बाहर आ रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, 4, 5, मन की गहराई से बाहर आ रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। आपको ऐसा अंदर से अनुभव हो रहा है कि आपको सरकारी नौकरी मिल चुकी है, आपका रोम रोम सफलता से भर चुका है, आपके रोम रोम में ऊर्जा ही ऊर्जा फैलती जा रही है। 5, 6 मन की गहराई से बाहर आ रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। 7, 8, 9, 10 मन की गहराई से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं। आप अब अपने हाथों को मलना शुरू करते हैं, रब योर हैंड्स, और कुछ ही देर के बाद आपके हाथ जब गर्म हो जाएं तो आप इन्हें अपने माथे पर, अपने चेहरे पर, अपने आंखों पर लगाएं, जैसे हम क्रीम लगाते हैं। आप पूरे चेहरे में इन गर्म हाथों को मल रहे हैं और आप इस दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं, आपको काफी अच्छा लग रहा है। अब आप धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे रख रहे हैं, जैसे ही मैं 3 चुटकी बजाऊंगा आप धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, आप अपने को फ्रेश और तरोताजा और सफल अनुभव करेंगे। 1, धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं, आपको काफी अच्छा लग रहा है। 2, धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं, आपको काफी अच्छा लग रहा है और सफल महसूस कर रहे हैं।
तीन पूरी तरह आंखें खोल चुके हैं, आपको काफी अच्छा और सफल अनुभव हो रहा है, आपको काफी अच्छा और सफल अनुभव हो रहा है।